हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दक्षिण के स्वाद में एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, क्या आपके गणपति पप्पा भी वही भोग खा के उब गए हैं जो आप हर बार बनाते हैं? तो चलिए इस बार हम दक्षिण का भोग बनाते हैं, वो भी नमकीन। जब हम नए रेसिपीज हम अपने लिए बना सकते हैं तो हम गणपति पप्पा के लिए भी बनाएंगे। वैसे तो हम नमकीन और स्वीट दोनों बनाते हैं, पर मैं आज आपको नमकीन लड्डू और साथ में चटनी, नारियल की चटनी बताऊंगी, और स्वीट में अगले वीडियो में बताऊंगी। हाँ तो चलिए दोस्तों, इस बार गणेश जी को आप आंध्रा के मोदकों से भोग लगाइए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रहते हैं और नमकीन है, ये बहुत ही हेल्थ रिच है। हमें इसमें कोई ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं रहेगी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ हमें उसमें क्या चाहिए। ये चने की दाल और चावल के सूजी से बनता है, हम इसे उंडरालू कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसके लिए जो हमें आवश्यक सामग्री है ना, जो मैं वो बता देती हूँ। हमें 1 कप चने की दाल चाहिए और 3 ग्लास, हम 1 का 3 लेते हैं, 3 ग्लास मैंने सूजी लिया है। हाँ दोस्तों, इसका मेजरमेंट वही है कि 1 कप अगर आप चने की दाल लेते हैं तो 3 या 3.5 ले सकते हैं, पर मैंने 3 लिया है। इसे लेने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हमने जिस भी कटोरी से हमने मेजरमेंट लिया था ना, उसी से हम 2 ग्लास पानी लेंगे, यानी 1 ग्लास सूजी के लिए। हाँ दोस्तों, जो हमने 1 कप चने की दाल ली थी ना, उसे मैंने अच्छे से धो लिया है पानी में, और उसको मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। 2 ग्लास पानी डाल के मैंने उसे उबालने के लिए रखा है। 2 विजल हमें दाल को नरम पकाना है, गलाना नहीं है। देखिए हमारी दाल पक गई है, अब मैंने उसमें से पूरा पानी निकाल लिया था उबालने के बाद, जो भी बचा था। फिर मैं उसे वापस नाप के डालूंगी। वो पानी 2.5 ग्लास आया दाल का पानी, और बाकी 3.5 ग्लास पानी मैंने लिया है। टोटल हमने 3 ग्लास सूजी के लिए 6 ग्लास पानी लिया है। मैंने अभी तक के नमक नहीं डाला है। मैंने आधा कटोरी तेल लिया था, उसमें से मैंने 2 टेबलस्पून डाला है और बाकी को बचा लिया है। और देखिए हमने जो सूजी लिया था ना 3 ग्लास, और मैंने नमक को सूजी के ऊपर डाल लिया है, वो हिसाब के लिए मैंने 3 बार डाला है, वो 3 ग्लास के बराबर का है। आधा इंच छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी लिया है स्वाद के लिए। और जैसे ही हमारा चने का दाल का पानी उबला है ना, हमने उसमें सूजी डाल लिया है और अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों हमारा नमकीन मोदक मिक्स देखिए कितना गाढ़ा हो गया, नजदीक आ गया है ना सूजी और चने की दाल। और इस वक्त हम क्या करेंगे, अच्छे से चारों तरफ से मिला के हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 1 मिनट के लिए उसको भाप में रखेंगे। हमें विजिल नहीं आना है और गैस भी धीमा ही रहेगा। और 1 मिनट बाद आप गैस बंद कर दीजिएगा, लेकिन ढक्कन मत निकालिएगा। और 5 मिनट ऐसे छोड़ देंगे ना, तो देखिए वो अपनी गर्मी में एकदम एक एक दाना पक गया है। उसे मैंने कुकर में से थाली में पलट लिया ताकि हम अच्छे से और ठंडा करके एक एक दाना खोल सके। और इस तरह हम ना पूरे उसको ठंडा कर लेंगे, पूरे उस उंडरालो मिक्स को, मोदक मिक्स को हम ठंडा कर लेंगे और एक एक दाना ऐसे खोल देंगे। और थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के ना हम इस खोले हुए मिक्स को फिर लड्डू बनाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं। आप बोलेंगे ऐसे ये एक बार बन जाएगा ना, तो आप सुबह शाम रात को तीनों वक्त खा सकते हैं। सिंगल मील आइटम है। जब मैं घर की सफाई करती हूँ, फिर कोई एक्स्ट्रा काम रहता है, तो उस दिन मैं ऐसा ही बना लेती हूँ, सिंगल मील है। मैंने उबलते समय आपको तेल डाला था ना, इसीलिए कि हमें ऐसे जब खोलते हैं ना तो इजी से खुलता है। अगर हम तेल नहीं डालेंगे ना, कांठे खुलेंगे नहीं, इसलिए मैंने तेल डाला था। और जो नमक मैंने वैसे दिखाया ना, पहले के समय में ना हम ज्यादा बनाते थे, यानी 5-5 ग्लास, 6-6 ग्लास या 1-1 किलो सूजी बनता था, तो याद नहीं रहता था कि हमने कितना सूजी डाला, तो इसलिए उसके हिसाब से उतना नमक डाल के रख लेते थे, क्योंकि भोग बिना लगाए हम इसको जूठा नहीं कर सकते है ना, इसलिए। यानी हम अगर 4 ग्लास सूजी लेंगे तो हम 4 बार नमक डालते थे उसी पे बाजू में, तो हमें याद रहता था कि हमने कितना लिया है। हाँ दोस्तों, चलिए हमारे मोदक तैयार है भोग के लिए, और हम नारियल की चटनी बनाते हैं। मैं आपको छौका इस मेरे तड़के के डब्बे से दिखा दूंगी। हमें उसके लिए 1 नारियल और 1 आम चाहिए। अगर आप कटोरे से नापेंगे तो 1 कटोरा नारियल के टुकड़े और 1/2 कटोरा आम चाहिए। मैंने 1 टीस्पून तेल लिया है कढ़ाई में, और उसमें मैंने सरसों डाला है 1 टीस्पून, और मैंने 1/2 टीस्पून मैंने उसमें मेथी डाला है, और मैंने 1 बड़ा टेबलस्पून मैंने उड़द की दाल ली है। आप छिलके वाली को तो वो ले लीजिएगा चलेगा। और मैंने 10 से 5 सूखी मिर्च ली है। मैंने थोड़ा तीखा डाला है क्योंकि हम उंडरालू के साथ खाएंगे ना, इसलिए। और जब ये हल्का भुन जाए ना, मैंने 4 या 5 हरी मिर्च ले लीजिएगा, मैंने 5 ली है। और मैंने उसे काटा नहीं था, इसलिए मैंने सराटे से वैसे उसको चीरा लगाया, नहीं तो फट जाता है बीच बीच में। और मैंने 1 चुटकी हींग ली है, हमें इसमें हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। भून लिया और उसी कढ़ाई में मैंने ठंडा होने के लिए रख लिया है। देखिए हमारा पूरा जो सूखी मिर्च और जो उसका तड़का था सब ठंडा हो गया है, तो मैं उसमें से अभी सूखी मिर्च और हरी मिर्च निकाल लूंगी मिक्सी में। वैसे तो हमें इसे 2 बार कर सकते हैं, पर मैंने एक काम जल्दी होगा करके मैंने मिर्च और तड़के को एक ही साथ बना लिया है, तो हम मिर्ची निकाल लेंगे, तड़के को रख लेंगे। जो मैंने 1/2 कप आम के टुकड़े लिए थे वो, और मैंने 1 कप जो नारियल के टुकड़े लिए थे, उन सबको मैंने मिला लिया है मिक्सी के जार में। और उसके ऊपर हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल लिया है, और देखिए मैंने हल्दी भी डाल ली है। अब इन सबको हम मिक्सी में इसको पहले मैंने पीसा, देखिए अभी थोड़ा दरदरा है, हम इसको और अब एकदम नरम मुलायम पीसेंगे।
और देखिए मैंने जो नारियल तोड़ा था ना तो उसका पानी बचा लिया था, मैंने उसी पानी को अभी चटनी में डाल लिया है। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, नारियल के पानी से बेहद स्वादिष्ट बनती है चटनी। और हमारी चटनी बन गई है, और देखिए हमारे सफ़ेद सफ़ेद उंडरा आलू के साथ नारियल की चटनी, थोड़ा सा ऊपर से घी डाल के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट। घी या तेल दोनों में से आपको जो पसंद है उसे थोड़ा सा डालिए, और साथ में ये वंकाय पच्ची पुलिसू के साथ आप उंडरा आलू को डिप करिए, आप भी भोग लगाइए और आपके गणेश महाराज को भी भोग लगाइए, दोनों के पेट खुश। और वंकाय पुलिसू का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक तैयार हो गए हैं, आप अपने गणेश महाराज को भोग लगाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।